जय श्री राधे कृष्णा बच्चों, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। आज टॉपिक लेकर के आए हैं आयंस। आयंस पार्टिकल कंटेंस चार्ज। आयंस दो प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं, एक केटायन और दूसरा एनायन। केटायन कहेंगे पार्टिकल कंटेंस पॉजिटिव चार्ज। पार्टिकल कंटेंस पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन कहेंगे पार्टिकल कंटेंस नेगेटिव चार्ज। केटायन बनता है फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बनता है फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको जेड इक्वल टू पी ग्रेटर देन ई, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है, और इस दोनों का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से अधिक होता है। हम लोग इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करेंगे, सोडियम Na प्लस, Na प्लस का जेड वैल्यू 11, पी वैल्यू 11 एंड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 10। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे 2 एंड 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया है। अब हम लोग कंसीडर लेते हैं मैग्नीशियम 2 प्लस आयन का। मैग्नीशियम का जेड एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे 2 8, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। अब इसमें एग्जांपल कंसीडर करेंगे क्लोरीन माइनस, इसका जेड एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17 एंड इलेक्ट्रॉन 18, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें अधिक होगा, और इसके लिए जो वैल्यू लेंगे जेड इक्वल टू पी, और इसका इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होता है जेड और पी से। अब इसके जगह ऑक्सीजन 2 माइनस को कंसीडर लेंगे, जेड इक्वल टू 8, पी इक्वल टू 8 एंड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा 10, और ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर लेंगे तो 2 एंड 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को यह गेन कर चुका है।